Hello everyone. In this video, we are going to learn the vehicle body construction. What are the vehicle body parts? In this video, we are going to learn. चलो start करते हैं आज का ये video lecture on automobile engineering. Vehicle body. What is vehicle body? तो vehicle body is super structure of the vehicle. क्या define करेंगे हम लोग? Super structure. It is this super structure of the vehicle. तो ये आपको diagram में दिख रहा है. This is total vehicle body is given in this diagram. ठीक है. So what are the parts we are going to see one by one. What is the importance of vehicle body design? ये vehicle body design का importance क्या है? Reduction in weight. सबसे पहला जो है तो weight, जो body का weight है वो कम होना चाहिए. Better aerodynamic structure. हाँ, काफ़ी aerodynamic structure अच्छा होना चाहिए. ठीक है. Aesthetic look होना चाहिए, ergonomics होना चाहिए, pleasant look होना चाहिए. These are the some importance of the vehicle body design. Then what are the requirements? Requirement कौन कौन से है? To withstand the all types of forces. जो भी ट्रैक फोर्स है, ठीक है, जो एयर का रेजिस्टेंस आएगा, तो वो सारे के सारे जो फोर्सेस है, इम्पैक्ट फोर्स है बहुत से, ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस के फोर्स आएंगे, तो ऑल जो फोर्सेस जो आएंगे तो विस्टैंड करने के लिए बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो लगेगा. देन इवनली डिस्ट्रीब्यूट दी स्ट्रेसेस, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस. तो किसी पार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए स्ट्रेस. कहीं पर्टिकुलर कटआउट के आसपास स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तो एक रिक्वायरमेंट है. देन लेस वेट एंड विस्टैंड द इम्पैक्ट लोड. वो बॉडी का वेट कम होना चाहिए एंड इट शुड विस्टैंड द इम्पैक्ट लोड. इम्पैक्ट लोड को विस्टैंड करना चाहिए. देन फोर्थ वन इज टू हैव द एडेक्वेट स्पेस फॉर पैसेंजर एंड लगेज. बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, बॉडी का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जो पैसेंजर है, जो लगेज है, उसके लिए एडेक्वेट स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए. देन शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. और जो कंपोनेंट जो है काफ़ी कम होनी चाहिए एक पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, properly structure design होना चाहिए. तो these are some five requirements and some three importance of body, vehicle body design. तो चलो आगे के slide में चलते हैं. What are the vehicle body? तो types of vehicle body दिया हुआ है. कार की बॉडी है, ट्रक है, this is the car. का ही अलग डिजाइन होगा कार का. ट्रक का जो बॉडी है वो अलग डिजाइन होगा. ट्रैक्टर का जो बॉडी है, व्हीकल बॉडी है, अलग टाइप के डिजाइन होगा. ट्रेलर का अलग टाइप का डिजाइन होगा. तो सबका जो जो अलग अलग टाइप की जो व्हीकल्स है उसकी व्हीकल बॉडी भी अलग रहेगी, सिंपल. देन टैंकर का आप लोग देखो, टैंकर का डिफरेंट होगा, डंपर टैंक का डिफरेंट डिज़ाइन होगा. देन वैन का भी डिफरेंट डिज़ाइन है, जीप का भी बॉडी जो है व्हीकल बॉडी है डिफरेंट डिज़ाइन है. तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हीकल बॉडी डिज़ाइन. मिनी बस, नाइन मिनी बस का डिज़ाइन अलग है, बस का डिज़ाइन अलग है, ये थ्री व्हीलर का डिज़ाइन, बॉडी का डिज़ाइन अलग है. तो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैविंग द डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. तो व्हाट इज बॉडी, व्हीकल बॉडी एंड कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट कौन कौन से, वो देखते हैं हम लोग. तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल बॉडी इज ग्रुप इनटू थ्री कैटेगरीज. तो जनरली जो व्हीकल बॉडी है वो ग्रुप की हुई तीन कैटेगरी में. कौन कौन से? सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, सेकंड आता है फिनिश, और तीसरा आता है इक्विपमेंट. तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑल लोड कैरिंग एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर. जो भी लोड कैरिंग एलिमेंट्स है, जो लोड कैरिंग एलिमेंट्स है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे. तो लोड कैरिंग एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर. देन सेकंड इज फिनिश. व्हाट इज फिनिश? फिनिश क्या है? अनस्ट्रेस यूनिट लाइक बोनेट, लीड, बम्पर एक्सेट्रा आर फिनिश. तो जो फिनिश पार्ट दिखता है हम लोगों को, बम्पर है, बोनेट है, ठीक है, लीड है, साइड पैनल है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिनिश स्ट्रक्चर या फिनिश कंपोनेंट. अनस्ट्रेस, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग फिनिश कंपोनेंट. देन द थर्ड इज द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट क्या? पार्ट्स लाइक सीट, डोर, विंडोज एक्सेट्रा आर द इक्विपमेंट. जो भी इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स लाइक सीट, डोर, इक्विपमेंट जो भी है, स्टेयरिंग व्हील जो आएगी, ठीक है, एस्थेटिक लुक के लिए विंडोज आएंगे, तो वो भी हम लोग किस में डालेंगे? इक्विपमेंट्स के अंदर में डालेंगे, ठीक है. द कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल बॉडी कैटेगराइज इनटू थ्री थ्री पार्ट्स. कौन कौन से? स्ट्रक्चर, फिनिश एंड इक्विपमेंट. स्ट्रक्चर में क्या लगे रहेगा? ऑड लोड कैरिंग इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर. दूसरे फिनिश में क्या रहेगा? जो भी फिनिश पार्ट है, बोनेट है, लीड है, बम्पर है, साइड पैनल है, डोर पैनल है वो साइड का, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिनिश पार्ट. नहीं, थर्ड इज द इक्विपमेंट. पार्ट्स लाइक सीट, डोर, विंडोज एक्सेट्रा आर कॉल्ड द इक्विपमेंट्स कंपोनेंट. ओके, नाउ व्हीकल बॉडी, पोर्शे टॉप मैन्युफैक्चरर इसका दिया हुआ है. व्हीकल बॉडी जो है ये पोर्शे इज द टॉप मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, ठीक है. देन कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स, टू पैनल्स इन द बॉडी कंस्ट्रक्शन. बॉडी कंस्ट्रक्शन में दो पैनल रहेंगे, आउटर पैनल शेप ऑफ द बॉडी, इनर पैनल दैट रेनफोर्स द शेल ऑफ द बॉडी, ठीक है. आउटर पार्ट जो है उसमें क्या रहेगा? एक शेप ऑफ द बॉडी रहेगा, जिसको हम शेप ऑफ द बॉडी बोलेंगे, और इनर पार्ट जो रहेगा वो क्या करेगा? रेनफोर्स द शेल ऑफ द बॉडी. तो अंदर का जो पार्ट रहेगा, शेल बोलेंगे जिसको हम बॉडी का, वो इनर पैनल बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है. चलो
देन दी वी विल सी द फ्लोर असेंबली. व्हाट इज माई फ्लोर असेंबली? द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोर असेंबली गिवन हियर. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोर असेंबली इज गिवन. प्रेस स्टील पैनल्स डिवाइडेड इंटू फ्रंट सेंटर रियर सेक्शन यूजली. ठीक है, तो जो भी प्रेस स्टील पैनल जो हो गए, ये फ्रंट साइड का ये वाला होगा, ठीक है, देन दी सेंटर वाला ये होगा एंड रियर वाला वो हो गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग पैनल्स के. ये जो फ्लोर असेंबली है ये पैनल्स की बनी हुई रहेंगी, फ्रंट सेंटर और रियर पैनल से. जनरली मेटल स्ट्रिप्स आर वेल्डेड, जो भी है साइड की जो मेटल स्ट्रिप्स रहेंगी उसके साथ में पैनल के साथ में वेल्डेड रहेंगी. एंड व्हील हाउस पैनल्स वेल्डेड टू दी फ्लोर. और जो भी व्हील हाउस के जो दिख रहे हैं आप लोग, जैसे दी व्हील हाउस, ये क्या रहेंगे पैनल के साथ में, फ्लोर पैनल के साथ में वेल्डेड रहेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्लोर असेंबली. देन दी कॉल असेंबली, सेकेंड इज द कॉल असेंबली, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार इज कॉल्ड एज द कॉल असेंबली. दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार, इट इज कॉल्ड एज द कॉल असेंबली. विंडशील्ड द फ्रेम, ये फ्रेम को एक शील्ड की तरह काम करता है, एक प्रकार डैशबोर्ड को जगह प्रोवाइड करता है. इट विल प्रोवाइड द डैशबोर्ड भी उसी में आएगा. देन साइड ऑफ द कॉल हिंजेस द फ्रंट डोर. और जो साइड जो ये हिंज दिख रहे हैं आप लोगों यहाँ पे, साइड ऑफ द कॉल असेंबली हिंजेस द डोर. ठीक है, जो फ्रंट डोर्स है उसको क्या करेंगे, वो फिट करेगा, हिंज करेगा वहाँ पे कौन, कॉल असेंबली. गॉट इट? इट इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द कार. ठीक है, मोस्टली ये फ्रेम स्ट्रक्चर हमको शो करता है, इसमें डैशबोर्ड आएगा. ठीक है, और जो भी साइड डोर्स है उसमें इसके साथ में हिंज रहेंगे. ठीक है, ये व्हीकल बॉडी के साथ में. और ये जो सामने की जगह दिख रही है यहाँ पे, तो इंजन फिट होगा, ये हम लोगों ने देखे पिछले वीडियो में. ठीक है, देन व्हीकल बॉडी. थर्ड, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स पिलर एंड रूफ असेंबली. तीसरा जो है पिलर एंड रूफ असेंबली. ठीक है, क्लासीफाइड एज ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर. जो इसको क्लासीफाई करते हैं हम लोग ए पिलर में, बी पिलर में और सी पिलर में. डायग्राम इज गिवन. दिस इज दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द ए पिलर एंड दिस इज साइड इज कॉल्ड एज द बी पिलर एंड द बैक साइड पैनल इज कॉल्ड एज द सी पिलर. ठीक है, रेल रूफ एंड द सेंटर पिलर मेड अप ऑफ बॉक्स सेक्शन. जो रेल रूफ है ऊपर का और सेंटर पिलर जो दिख रहा है ये बॉक्स सेक्शन का बना हुआ रहता है. देन ड्रिप माउंटिंग्स भी लगे रहेंगे इसमें. रियर विंडो फ्रंट शील्ड विंडो बाय स्पॉट वेल्डिंग. जो रियर विंडो है इसके साथ में ये पीछे वाले रियर विंडो और फ्रंट शील्ड्स, वो किसके साथ में, स्पॉट वेल्डिंग के साथ में उसको ये हम लोग फिट करेंगे. ये यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है. रियर विंडो ये देखो, रूफ पैनल ये क्या है, रूफ रेल रूफ है. दिस इज सेंटर पिलर, ये सेंटर पिलर है. ठीक है, ये रेयर पिलर है, साइड वाला साइड पिलर है. ठीक है, ये है बॉटम पिलर. ठीक है, तो दीज आर दी गिवन इन दी पिलर एंड रूफ असेंबली. क्लियर? नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट, व्हीकल बॉडी कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स. तो इसमें क्वार्टर क्वार्टर पैनल जो दिख रहे हैं आप लोगों, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द क्वार्टर पैनल. जो कार का जो दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड द क्वार्टर पैनल पोर्शन. ठीक है, एंड द फ्रंट एंड डोर असेंबली. ये क्वार्टर पैनल हो गया, साइड वाला दोनों साइड में रहेंगे. देन दी फ्रंट एंड डोर असेंबली का ये डायग्राम है. तो फ्रंट में आप लोग देखो, ये जो क्लाउल असेंबली है वहाँ पे क्या रहेगा, हिंज रहेगा. ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटर हैंडल, डोवर ट्रिम पैड, ठीक है, प्लग, फास्ट लाइन. दिस इज द टोटल रिवेट मोल्डिंग, द स्क्रू, प्लग, दीज आर ऑल गिवन एज द डोवर असेंबली. इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहेंगे. रियर फिल्टर्स, स्टीलिंग स्ट्रिप है, स्टीलिंग स्ट्रिप, स्क्रू, व्यू ऑफ द वाटर रिफ्लेक्टर, देन फास्टनर्स, व्यू, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द फ्रंट एंड डोर, रियर डोर असेंबली. जो भी कंपोनेंट्स डोर में रहेंगे, ठीक है, हैंडल के साथ में, विंडो के साथ में, ग्लास के साथ में, रेगुलेटर हैंडल के साथ में, स्क्रू के साथ में, ऑल आर कॉल्ड एज द फ्रंट और डोर असेंबली, रियर डोर असेंबली. ओके, नाउ व्हीकल बॉडी कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स. फिफ्थ नंबर इज सीट्स एंड अदर इंटीरियर्स. ठीक है, तो जो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जो फिफ्थ पार्ट जो दिख रहा है व्हीकल बॉडी का, ये इंटीरियर पोर्शन हो गया गाड़ी के अंदर में का. और इसको बोले ये जो सीट्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, अदर इंटीरियर कैसा है, सामने वाला डैशबोर्ड का इंटीरियर कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, सीट एंड अदर इंटीरियर्स में. व्हाट आर दी मटेरियल यूज फॉर दी बॉडी कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए, दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं. फ्लोर पैनल, रूफ पैनल, काउल एंड अदर शीट मेटल्स. ठीक है, उसके लिए क्या होगा, जो फ्लोर पैनल है, रूफ पैनल है, काउल असेंबली, अंदर शीट मेटल्स के लिए कौन सी होंगे, एल्यूमिनियम शीट यूज होंगी एंड स्टेनलेस स्टील शीट होंगी. एल्यूमिनियम शीट एंड स्टेनलेस और स्टेनलेस स्टील शीट. ओके, देन साइड माउंटिंग्स एंड एसेसरी. साइड माउंटिंग्स एंड एसेसरी के लिए कौन कौन सी होंगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड रबर्स आर यूज जनरली. तो साइड माउंटिंग्स रहेगी, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड रबर. देन दी विंडशील्ड्स, विंड के लिए जो शील्ड्स है जो यूज हम लोग लगाएंगे कार में. एंड अदर ग्लास डोर्स के लिए, बैकलाइट एंड साइड डोर के लिए हम लोगे टफन और लैमिनेटेड ग्लास. तो लैमिनेटेड ग्लास हम विंडो के लिए यूज करते हैं, विंडो के लिए यूज होता है. ठीक है, तो ये विंडशील्ड और अदर ग्लास डोर्स के लिए यूज होगा, लैमिनेटेड ग्लास और टफन ग्लास. ओके, नाउ
ये वीडियो में हम लोग यही रोकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बॉडी की व्हीकल की जो बॉडी है उसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।